राम राम सभी दोस्तों को। और आज वीडियो शूट करने का जो कारण है वो ये है कि आप मेरे हाथ में देख रहे होंगे द गढ़वाल राइफल रेजिमेंट का जो हमारा कुकरी है, ये हमेशा हमारे साथ रहती है। और आज जो हम लोग ये सब तैयारी वैयारी कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम आज आए हैं अपने गांव हिमालयन, जो हमारा रेंज का जो गांव है चमोली डिस्ट्रिक्ट में। तो हम लोग एक ट्रैक पे जा रहे हैं, हाइकिंग पे जा रहे हैं, खाकर खेत जिसका नाम है ट्रैकिंग का। और वो बुग्याल है एक तरफ का, आपने सुना होगा बुग्याल पहाड़ों में जो बड़े बड़े जो हाई बहुत हाइट पे जो बड़े बड़े घास के मैदान मिडोज रहते हैं, जहाँ पे ट्री हाइट ख़त्म हो जाती है, जहाँ पे आपके कौन ट्री शुरू हो जाती है वहाँ पर बुग्याल शुरू होते हैं। वहाँ पर बर्फबारी और बरसात बहुत होती है, बारिश तो यहाँ कल से हो रही है। तो अभी हम तैयारी कर रहे हैं, आज ये हमारे बैग्स वगैरह तैयार हो रहे हैं क्योंकि सारे बैग्स हमारे देहरादून में पड़े हुए थे, सारी चीज़ें देहरादून में थी। लेकिन सडन प्रोग्राम बन गया तो मैं मिस नहीं करना चाहता हूँ इस टूर को, क्योंकि ये बहुत ही बहुत ब्यूटीफुल ट्रैक है और बहुत इंजॉय करने वाला है। इसमें बहुत तकलीफ़ें भी आएंगी, मेरे साथ अनिरुद्ध भी जा रहा है क्योंकि मुझे तो अपने ऊपर भरोसा है। अनिरुद्ध के ऊपर ट्रैक लगभग मेरे को लग रहा है ये 12 किलोमीटर के आसपास पैदल ट्रैक होगा, 12 से 15 किलोमीटर के पीछे, एकदम एग्जैक्ट मैं नहीं बता पा रहा। और पहुँचने के बाद आपको बताऊँगा, रास्ते रास्ते में आपको दिखाते रहूँगा। बने रहिए, इस वीडियो में बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। बाय बाय, टेक केयर। तो अब हम अपनी यात्रा कर रहे हैं स्टार्ट। सामान हमने गुरुघा में रख दिया है और हमारा जो सामान है वो उतरेगा खैनोली में। हमारे साथ अंकल जी हैं, गुरु जी हैं, और गुरु जी भी साथ में चल रहे हैं, बिल्कुल तैयार हैं यात्रा के लिए क्योंकि ट्रैकिंग हाइकिंग है। और हम लोग वहाँ से ऊपर लगभग 7-8 किलोमीटर पैदल होगा, 7 किलोमीटर पैदल है, बहुत स्टिप चढ़ाई है, पूरा बुग्याल है वहाँ। तो बैठते हैं और निकलते हैं हम लोग। अब यहाँ से हमारे और साथी साथ में चल रहे हैं, ओ सामने दिखाई दे रहा है वहाँ है खैनोली, वहाँ तक हम लोग गुरखा लेके जाएंगे और गुरखा खड़ी करने के बाद पैदल ट्रैक हम लोग वहाँ से निकलेंगे आगे। हमारे और साथी भी साथ में आ गए हैं, ये दो के डाटा भी बहुत है वहाँ के लिए। तो हम पहुँच चुके हैं खैनोली, दिखाते हैं आपको डेस्टिनेशन, ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन खैनोली। और फ्रॉम हेयर वी आर स्टार्टिंग टू आवर हाइक, स्टार्टिंग क्लाइंबिंग हेयर। यहाँ से हम ऊपर करेंगे, चढ़ना शुरू करेंगे। और ये छतर के आ रहे हैं, हाँ ये छतर बाहर निकालना है। तो अनिरुद्ध आपको दिखा रहे हैं बाहर का नज़ारा। ये हमारा लगेज है और ये हमारे साथी हैं श्री हरिंदर सिंह जी, आप फिजिकल एजुकेशन में हैं, और सर हैं रावत जी, ये भी हमारे गांव के हमारे ही पड़ोसी हैं, और वो हमारे काका जी हैं जो वहीं से हमारे साथ चले हैं जहाँ से हमने यात्रा अपनी शुरू करी थी। तो पहले पैदल आने का था यहाँ तक, लेकिन जब रोड थी तो हम गाड़ी से आए। अब यहाँ से राहुल जी किधर से जाएंगे हम लोग? गाँव गाँव से सीधे ऊपर ऊपर, वो इधर आओ, यहाँ से दिखा, वो जो दिखाई दे रहा है। ये हमारे रघुवीर जी हैं जो हमारे ये जो यहाँ पे ट्रैकिंग का जो कार्यक्रम है, जो सांस्कृतिक यहाँ पे मेला हो रहा है, उसके सचिव हैं आप। और बहुत अच्छे एडवेंचर भी हैं, ट्रैकर हैं बहुत बढ़िया, और इन्होंने ये इन्हीं के सौजन्य से हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे। भगवान देव का आशीर्वाद है कि हमको इस चीज़ का इनिशिएटिव मिल रहा है, थोड़ा सा उसको थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। हमारे ये विजन की सब लोग टीम वर्क है, टीम के काम से सफल होती है, कल आदमी कहीं भी कुछ नहीं कर सकते, आदमी का खेल नहीं है। हाँ नहीं सर, खैनोली गांव है और यहाँ पे देखो आलू की खेती होती है, आलू वो सेब के पेड़ हैं, देखो एप्पल सेब के पेड़ भी लगे हुए हैं। इधर देखो इधर अपने धान की फसल, गांव खैनोली बिल्कुल लास्ट बॉर्डर है, यहाँ पर भी काफ़ी हाइट है। ये पुराने की वो है धरोहर है, बहुत सुंदर लग रही है, एक चीज़ें बन रही है। हमारे साथ
देखो हमारी टीम, सब हमारी टीम के लोग, वॉलीबॉल टीम हमारी। तो बारिश शुरू हो गई है, अभी हमने खोल दिया अपना खाता, चलते हैं। तो बारिश शुरू हो गई, हम दोनों जाते तो फिर सेटअप नहीं करना क्या अपना? लोगों सामान में तो कम है, सब ज़्यादा हम गई हैं सामान। हम बहुत सारा लगेज कैरी कर रहे हैं, हमने बहुत सारी चीज़ें रख दी हैं। कोई नहीं, अपने को पता है अपन ले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चढ़ जाएगा अपन। फिर पहाड़ी है, अब रास्ता सही लग गया, चलते चलो चलते चलो। बहुत घना जंगल है, हमारे साथ ही सभी अभी थके तो नहीं है, खैर अभी सब में दम खम है। तो सबसे खतरनाक ट्रैकर हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। इन्होंने तो सब छान मारे हैं, पूरे भावर और पूरी बुग्याल। रावत जी हैं, रावत जी भी चलते रहते हैं और बहुत तगड़े चलते हैं। और ये घना जंगल है, ये है चंद्र का पौधा, इसकी बहुत सुंदर सब्जी बनती है, हरी सब्जी। और ये सब्जी वायुनाशक और यूरिक एसिड के लिए भी बहुत सुंदर पौधा है, औषधीय युक्त पौधा है, सब इसका प्रयोग करें। ये यहीं जंगलों में मिलता है, घर घर के नज़दीक नहीं मिलता है। धन्यवाद। देखो हमारे काका जी सबसे बुजुर्ग हैं और सबसे फास्ट चल रहे हैं, उनको कितना भी वेट दे दो उनको कोई पकड़ नहीं सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे जो काल मतलब दस की हस्बैंड हैं, ये सब खड़ी है क्योंकि हम काफी बात चढ़ रहे हैं। अरे क्यों, और अब यहाँ पे हम आएंगे छोरा भवन, माने यहाँ पर चोर होता है जिसको दाल सब्जियों में डालते हैं, अच्छी खुशबू आती है उसकी, तो यहाँ जड़ी मिलती है, उसका नाम चोरू बोलते हैं, उससे इस छाने का नाम चोरू चोरू का भावर पड़ा, इसलिए इसको हमारी स्थानीय भाषा में चोरा भावर बोलते हैं। दरअसल ये रहा छप्पर, हालत खराब हो रही है। अरे जब हम पहली बार आए थे ना, यो इतनी बड़े थी ना, यो हाँ कौन बना, हालत पूरी खराब हो रही है, बहुत मुश्किल है। यहाँ पे खाना खुना बनाया है इसके अंदर, वो देखो वहीं से जाना है हमने अभी। यो कौन फूके यहाँ थोड़ी रह सकते, बारिश भी आएगी तो सारे स्वर्ग पहुँच गए। हम लोग अभी अपने डेस्टिनेशन के 7-8 किलोमीटर हम लोग चढ़ चुके हैं। देखो पूरा देवदार आ गया, फ्री गाइड खत्म हो चुके हैं। ये ऊपर का दिखाइए, ये पूरे देवदार के पेड़ है, रासोल देवदार है ना, रासोल देवदार देखो, रासोल देवदार देवदार नहीं हो, देवदार नहीं। तो ये हमारी, ये सब हमारा बन गया है, यहाँ पर जुगाड़ बन गया है। के ऊपर हमने छोटा सा टिफिन रखा हुआ, इसमें हमारी हाँ तवा दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, तवा आग चल चुकी है। और वो हमारे काका जी हैं पीछे, और वो छेरावत जी हैं, के अरंदर जी हैं। और हेलो फ्रेंड्स, हमारे वीडियो की अगली कड़ी है, जो जो हम ब्लॉग बना रहे थे, हमारी जो ट्रैकिंग का अगला जो पड़ाव है वो पल्ला भावर, जो मेरे व्यूअर्स हैं जो इस चैनल को देखते हैं वो साथी, तो हम कभी कभार बनाते हैं और जो बहुत जेन्युइन कंटेंट होता है उसी को हम दिखाते हैं। तो आज हम इस पड़ाव पर आए हैं, आप देख रहे हैं हम कैसी जगह पर रह रहे हैं, और ये यहाँ पर हमने आग का प्रबंध भी कर लिया। और हमारी जो टीम है उस टीम में बहुत ही एक्सपीरियंस लोग हैं, जैसे मैंने कहा तो गजब कर गया, क्योंकि मैं देहरादून में रह रहा हूँ आजकल एक साल से, पहले मैं भी खूब चलता फिरता था, लेकिन मुझे आज लगा मेरी काफ, मेरे जो हैमस्ट्रिंग है, मेरे ग्लूट्स हैं, वो थोड़ा दुख से रह रहे, मतलब चढ़ाई में, क्योंकि वेट भी था मेरे पास थोड़ा बहुत, ज्यादा वेट तो नहीं था, एटलीस्ट 20 किलो के आसपास मेरे पास वेट होगा, तो चढ़ रहा था मैं, लेकिन थोड़ा रावत जी को बहुत एक्सपीरियंस है आउटडोर का, जो ट्रैकिंग का, और इनके साथ हमने एक ट्रैक किया था कोनपुर गढ़ी, हमारे गढ़वाल के जो राजा थे, कोनपुर मंडल के राजा के आदमी है दादा ने। राम राम सभी को। और कल रात हम यहाँ पर रुके थे,
बहुत अच्छा मौसम, बारिश हो गई थी और बहुत ठंड थी यहाँ पर, तो जैसे तैसे हम लोगों ने यहाँ पे रहने का प्रबंध किया और रात बड़े अच्छे से कटी। देखा यहाँ पर हम लोग रहे, ये हमारी कुटिया है और बाबा जी उठ चुके हैं और ये हमें यहाँ पर रात भर आग जलाई थी कैंप के बाहर, ताकि कोई जंगली जानवर यहाँ आए तो दूर से ही भाग जाए सोने के लिए। इस तरह से प्रबंध किया था, कपड़े प्यारी स्लीपिंग बैग है। यहाँ दो साथी हमारे अभी सोए हुए हैं और ये एकदम जुगाड़ करके बनाया गया है, उसके अंदर हम लोग रहे। नज़ारा दिखाते हैं आपको, बहुत शानदार नज़ारा यहाँ की सुबह जो है, सो ब्यूटीफुल मॉर्निंग। ये देखो देवदार के पेड़, सुंदर सी राख जिसको अरासर राख कहते हैं। ये पहले यहाँ पर लोगों की छानियाँ रही होंगी यहाँ पर लोगों की, पर ये एक जुगाड़ बनाया गया है, एक आयरन प्लेट है तवा, उसके ऊपर हमने ये टिफिन रख के इसी में पानी गर्म किया है, मस्त जुगाड़ है। सुबह की हमारी ब्रेकफास्ट भी हो गया है, एप्पल हमने रखे हुए हैं, कुछ बन भी लाए थे और ये ग्रीन टी के पैकेट्स। दिस इज डे टू, सो अब डेस्टिनेशन के नज़दीक हम लोग हैं और इस तरफ है ना, इसके ऊपर ना बस इस पीक के पूरा पीक हमने लगभग कवर कर दिया है। कौन कौन सा हाइट मतलब, ये हमारी जंगली बेरीज हैं स्ट्रॉबेरी, देखिए कितनी सारी हैं, ये लो, ये बहुत स्वादिष्ट और बहुत ही एनर्जेटिक है, चढ़ते चढ़ते तो देखो सारी तोड़ ली मैंने। We have arrived to our destination. उस पहाड़ से ऊपर चढ़ाई पा गए। इतनी खुशी थी कि उसको व्यक्त नहीं कर सकता, वो नहीं एक्सप्रेस कर सकता वो बच्चा। खत्म हो जाएगा उसके बाद ध्यान रखना कि मैं ऐसे झटका नहीं मारना, जो कंट्रोल में रखना अपने आप ठीक हो जाएगा। कैल्शियम वैल्शियम खाना, डॉक्टर के पास चले जाना, कैल्शियम वैल्शियम देगा वो खाने के लिए, दूध कैल्शियम अंडा वंडा, वो अपना आप ठीक हो जाएगा। वो काम करेगा फिर वैसे हो जाएगा, ये ध्यान फिर डिसलोकेट हो जाएगा। तो हम अभी यहाँ पर काफ़ी भटक गए, वहाँ पर भंडारा लगाया उस तरफ और भाई जी एक मिनट है, और यहाँ पर एक भाई साहब थे गैर सैन सिंह मंदिर, तो वो हमको मिले, उन्होंने हमारे लिए चाय की व्यवस्था कर दी थी, चाय बनी हुई है, आप लोग भी पिए, मस्त चाय बनी हुई है और चाय निकालो थोड़ा बड़ा, तुम निकालो ध्यान निकालो बाहर। तो ये हम मंदिर की ओर चढ़ रहे हैं और यहाँ पे ये जो रास्ता दिखाया है, पेड़ दिखाई दे रहे हैं, बड़े बहुत पुराने पुराने पेड़ हैं, नए पेड़ बहुत कम है। ये फूल देखिए आप, यहाँ कितने अच्छे अच्छे फूल हैं, रंग बिरंगे फूल, बहुत स्पीड में फूल दिख रहे होंगे आपको, बहुत छोटे छोटे, ये देखिए आप रंग बिरंगे अलग अलग कलर हैं इन फूलों, उनकी तारीफ है बैंगनी नीले। और ऊपर हमारा मंदिर है, मंदिर सब लोग आ चुके हैं खाकर देवता के मंदिर में, बहुत प्राचीन मंदिर है, यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, इसलिए हम आपको फोटोग्राफ्स दिखा रहे हैं। बहुत ही प्राचीन मंदिर है ये, बहुत अद्भुत मंदिर है, जय खांकर देवता।
सर आप शिवनी मल्ली से, तो सर ने यहाँ पे आते ही हमको चाय की व्यवस्था करा दी, बहुत धन्यवाद सर। ये तो हम उधर हमें सेवा का मौका मिला, हमने पिला दिया आपको और क्या इसमें बड़ी बात तो नहीं। हमने केवल बर्तन के लिए सोचा था ना, कोई चलो बर्तन मिला तो हम बना लेंगे। चाय बची थी, हमने सोचा कि चलो भाई गिराने से कोई पी ले तो अच्छी बात है। और ये हमने सलाद भी तैयार कर लिया है, और अभी रावत जी देखो आटा बना रहे हैं पौली के ऊपर, देखो बैग के ऊपर से यहाँ सारा जुगाड़ चल रही, सारी व्यवस्था चल रही है। अभी मैगी दिखा दो, मैगी भी बन रही है वहाँ, किसी से हमने बर्तन मांगा थोड़ा बहुत। अब उधर वॉलीबॉल मैच शुरू होने वाला है, अब थोड़ी देर में हम वहीं मिलेंगे। हल्का तरी रोटी बन रही है, वो करारी वाली एकदम। बाकी सारे यहाँ पर काम कर रहे हैं और हम आपको सिग्मा व्हेल दिखाते हैं। और यहाँ पर ये दरख्त की छांव में यहाँ पे हमारा चल रहा है ब्रेकफास्ट कह लो चाहे लंच कह लो, दोनों एक साथ ही हो। यहाँ पर हमारे अब इधर पापा लोगों का मैच है। अरे 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 बहुत बढ़िया। पापा की सेमीफाइनल पहुंच गई है, दूसरा मैच और देखते हैं इसमें विक्ट्री होती है। 13-7 हो चुका स्कोर और अभी पहला राउंड है, दो राउंड होंगे 15 के, अब देखते हैं क्या चीज। राउंड 15-7 सेकंड राउंड 1-0 7 चल रहा है, एक ही पॉइंट चाहिए। पहले भी 15-7 चल रहा है, इसमें 15-7 ठीक है, साइंस आगे नहीं कर पाए। दोनों राउंड जीत लिए पापा लोगों ने, विक्ट्री। बहुत बढ़िया चला। सो अभी हम पापा की टीम मैच जीत चुकी है फाइनल्स, और इधर अरे मेरा फोन कहाँ है। तो यहाँ पर जो फेस्टिवल था हमारा आज पर्यावरण महोत्सव, विश्व पर्यावरण महोत्सव, उसका समापन हो गया। उसका समापन वॉलीबॉल मैच से हुआ जिसका फाइनल हम लोग जीत के आए और बड़ा मजा आया। तो फाइनल जीत में कुछ नहीं दिया। बारिश हो रही है, बारिश बहुत होते हैं, वहाँ भी चलती बारिश इतनी तेज हो रही है कि हमको वापस यहीं स्टे करना पड़ा आते समय भी। हमारे सारे यात्री हम आ गए हैं यात्रा करके। अब हम अपने घर पे पहुँच गए हैं, अब पहुँच चुके हैं अपने घर पे और यात्रा हो गई हमारी कंप्लीट। राम राम सभी दोस्तों को। और जैसे कि हम ट्रैक पे गए थे खाकर खेत, जो कि लगभग 10 किलोमीटर जाना और 10 किलोमीटर आना, 20 किलोमीटर ट्रैक था, काफ़ी बिल्कुल थिक फॉरेस्ट जो थी वहाँ पर, और ऊपर हाई एल्टीट्यूड, काफ़ी हाइट में वो ट्रैक है वहाँ पर, बहुत बड़े आपने देखा इसमें वीडियो में आपने देखा। और जब हम नीचे उतर रहे थे ट्रैक से तो बहुत बारिश हो गई थी और नीचे उतर रहे थे बहुत स्लिपरी हो गया था रास्ता, तो काफ़ी टफ था नए लोगों के लिए। खैर मैंने ऐसे बहुत सारे ट्रैक पहले करे हुए हैं, तो जो नए थे उनको काफ़ी दिक्कतें हुई, कई बार लोग फिसले और जैसे तैसे पकड़ पकड़ के नीचे पहुँचे। और खैनोली पहुँचने के बाद फिर हम अपनी गुरखा में बैठे तो कुछ राहत मिली और फिर घर पहुँचे। तो देखिए आपने देखा होगा ब्लॉग, अगर आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय, राम राम।